हेलो स्टूडेंट्स, मैं तुम लोगों कारण आज लैसो एपिसोड टू एपिसोड वन जो तुम लोग चाइसा तुम लोग गम पा कि सीजन चलि इतने एक्सुअल मैं एक्टा सीरीज स्टार्ट करीट एंड एन सी आर टी नाम दी तो इतने नाम तो शुनी गम पासा तुम लोग मैं नीट और एन सी आर टी मजद कि बेसि लिंक आसे नीटर क्वेश्चन और एन सी आर टी बस्तुटे आम इतने एनालाइसिस चलो आम फार्ष्ट एपिसोड पाँच क्वेश्चन डिस्कस करा ना फार्ष्ट भिडिओ चाह ला और इतना आज सेकेंड एपिसोड मैं नेक्स्ट पाँच क्वेश्चन डिस्कस कर चलो तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हुई अफ द फलोइंग कन्ट्रासेप्टिव मेथड्स डू इनवल्व ए रोल अफ हरमोन तो हरमोन इनवल्विंग की मेथड आज इतने चाह लगे आम किम उल गो बाय द अपशनस तो फार्ष्ट अपशन कि आम चाँ फार्ष्ट अपशन कि आज बेरियर मेथड आज इतना आम जानू जो बेरियर मेथड जो आसान अबियासलि कि नब सो आम आन्सार हम ना कारण बेरियर मेथड मैं मेनलिम क्या कहूँ मेनलि कन्डम्स क्या कैसो एंड कन्डम्स डज नट इनवल्व एनी रोल अफ हरमोन तो बेरियर मेथड जो आज और क्या बेरियर मेथड आसने निकी चाँ अच्छा बी आसे निकी बेरियर मेथड ना तो सी आसे निकी आज बेरियर मेथड आसे तो एगेन सी के नट बी द आन्सार तो ए और सी तो इनके डिस्कार्ड हो गल इतना बी चाँ बीत कपार्टी आसे कपार्टी बेरियर मेथड है ना आम चाह लगे पिल्स आसे इमार्जेन्सि कन्ट्रासेप्टिव आसे अच्छा तो इतना कपार्टी तो प्रथम चाँ एन सी आर टी जो आम जाऊँ यू कौन तो चेप्टार पर दी क्वेश्चन तो मत पे लाच तुम लोग क्लास टूवेल्व रिप्रेडिव हेल्थर पर दी मत पढ़ से सके सबरे तुम लोग तो रिप्रेडिव हेल्थ तुम लोग चुना पेराग्राफ तो पेज नम्बर सिक्सटी इतने दिया आज देखी सा पेज नम्बर सिक्सटी तो पेज नम्बर सिक्सटी तुम लोग आई यू डी बिल्कुल क्या क्या आज आई यू डी इतने बोल्ड लिखा आज इंट्रा यूट्राइन डिवाइस तुम लोग ए बी सी जाना सके और तो यहाँ मैं डिस्कस नको इतने आम विचार लगे सी कपर रिलीजिंग आई यू डी पासाने तुम लोग विचार कपर रिलीजिंग आई यू डी क्या चुना कपर रिलीजिंग आई यू डी ये देखिसे ना लिपिस लूप लिखा आज यू देखिसा तार पाशते चुना यू आज कपर रिलीजिंग रिलीजिंग आई यू डी क्या आज ताते एग्जाम्पल दिया कि कपर टी एग्जाम्पल दिया तो कपर रिलीजिंग जोखिन आई यू डी सी आई यू डिखिन एग्जाम्पल कि आज कपर टी एग्जाम्पल आज तार पाशत नेक्स्ट कि आज तार पाशते अकन पाशत कि आज हरमोन रिलीजिंग आई यू डी आज तो हरमोन रिलीजिंग जो आई यू डी ताते हरमोन रोल थको कपर रिलीजिंग आई यू डी कपर रोल थको तो इतना आम गम पाल कपर टी जो आसो किहर रोल ना हरमोन रोल ना तो इतना तैयार जो अपशन आज बी कि हम ना आम आन्सार हम ना अपशन एटा थे आन्सार कि हम डी हम तो डि इज द करेक्ट आन्सार तो एन सी आर टी आम डिराइव करल तुम लोग लैक्टेशनल एमिनोरिया पिल्स और इमार्जेन्सि कन्ट्रासेप्टिव है ना नो जो चाह खुजा ये मैं डिस्कास कर पार कि आगर क्या ना तो डि हम एग्जाम कितना ये एप्रोचे लो लगे तो आम लैक्टेशनल एमिनोरिया पिल्स और इमार्जेन्सि कन्ट्रासेप्टिव हरमोन रोल आसे ना आम एबार और जो आसे बस्तु तो एन सी आर टी आम पाँ ने नपाँ बस्तु तो आम चाँ कारण आम मेन एक्चुअली एम कि एन सी आर टी लिंक आसने ना सीट विचार तो हियर इज पेज नम्बर सिक्सटी पेज नम्बर सिक्सटी अफ द सेम चेप्टर अबियासलि तो लैक्टेशनल एमिनोरिया बोल्ड लिखा आज देखिसा तो लैक्टेशनल एमिनोरिया किहर रोल आस हरमोन क्या रोल आसे इतने लिखा आसे निकी आम चाँसू इतने लिखा आज दिस इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ओव्यूलेशन and therefore the cycle which cycle the cycle mane we are talking about obviously menstrual cycle do not occur during the period of intense lactation following parturition parturition mane hol delivery delivery pasot jontu intense lactation hoy hekine hol menstrual cycle ovulation ekun hoy to hekine homoy ki thake birth control hoy thake and this is a natural method of birth control ei kotha ami yate paisu yate kintu hormone nam directly mention kora nai etia jodi ami korbat pao जे ओव्यूलेशन एक्चुअली सॉरी लैक्टेशन एक्चुअली किहर कारण हरमोन कारण तीन गम पाम जे सिंस लैक्टेशन कारण लैक्टेशनल एमिनोरिया नाम तो तैनक दिया तो लैक्टेशन जो क्या हरमोन कारण तो लैक्टेशनल एमिनोरियार कारण एक्चुअली द रूट कॉज इज सम हरमोन तो आम बस्तुटे विचार विचार क्लास इलेवेन लेकिन जब लगे कारण क्लास इलेवेन एट चेप्टर आसे हरमोन ऊपर इलेवेन चेप्टर तो विचार और केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चेप्टर तो आसे तो इतने पेज नम्बर लिखी दी मैं पेज नम्बर 332 तुम लोग निजर निजा एन सी आर टी चाहोपरा इतने जो चाँव तीन आम सेंटेन्स चुना प्रोलेक्टिन पैसा
Prolactin regulates the growth of mammary glands and formation of milk in them. तो मिल्क प्रोडक्शन और लैक्टेशन बायोलॉजिकली स्पीकिंग इज कंट्रोल्ड बाय ए हार्मोन तो आम जो विचारों पालू तो लैक्टेशन एमिनोरिया हार्मोन रोल आए तार नेक्स्ट की आज पिल्स आए तो पिल्स आको आम पा बार्थ कंट्रोल मेथडबाकर भर एगेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर टू पेज नम्बर 61 तो ये पिल्स बोल्ड लिखा आज देखी सके तुम लोग तो पिल्स ऊपर जो सेन्टेन्स क्या पढ़ा तुम लोग गम पाबाज पिल्स जीवन ऑरल पिल्स जीवन बार्थ कंट्रोल करें मोस्ट वाइडली यूज कर जाए तो तक कि थके या तो प्रोजेस्टेरोन थके ना प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजेन की थको कम्बिनेशन थी राइट तो अल्टिमेटली या तो कि आज हार्मोन आए तो पिल्स पास नेक्स्ट की आज इमार्जेन्सी कन्ट्रासेप्टिव सेम पेजते आम जो अकान तलैक जाऊँ तीन इतने कि पा इमार्जेन्सी कन्ट्रासेप्टिव पे वर्ड पा तो सेन्टेन्स मन दु लगे तो इतने कि आज एडमिनिस्ट्रेशन अफ प्रोजेस्टोजेन और प्रोजेस्टोजेन एस्ट्रोजेन कम्बिनेशन और आईयूडीज विदिन 72 hours अफ कॉइटस हैव बीन फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव एज इमार्जेन्सी कन्ट्रासेप्टिव तो इमार्जेन्सी कन्ट्रासेप्टिव साफ साफ हार्मोन नाम मेन्शन करो इतने मैं डिस्काश कर ना तो तीन जीटा एग्जाम्पल दियाशन डिट तीन हार्मोन रोल आए और गोटेखे कथा एन सी आर टी मेन्शन आए खाली एट ट्रिकी पार्ट आसे लैक्टेशनल एमिनोरिया तर दो चेप्टार लिंक्ड कन्सेप्ट आसा क्वेश्चन थको नीटर चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो लेकिन आम नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मिसमैच क्वेश्चन तो यह क्वेश्चन तुम लोग एग्जाम्पल देखीसा गम पाबा क्वेश्चन तो कौरपा दिया एक्चुअली एनिमल किंगडम दिया आए एगेन मिसमैच तो सेम स्ट्रेटेजी आम किम अपशन फलो करम और एट अपन जब नए डिस्कार्ड कर जिम्मे पारि शर्ट टाइम आन्सार तो ऊपर अच्छा पायला पायला इज एन एग्जाम्पल अफ व्हाट मोलास्का तो जो एन सी आर टी पेज तो मन आज मन मैं देखा दीस पेज तो एन सी आर टी एनिमल किंगडम चैप्टर नम्बर 4 क्लास 11 तो इते चुना इतने कि लिखा आज रेडिओलर कथा लिखा आज है यू हल एग्जाम्पल पायला इज एन एग्जाम्पल अफ मोलास्का एंड मोलास्का हेज गट ए स्ट्राक्चर कल्ड रेडिओला इन दियर माउथ सो पायला उल मैच उथ व्हाट रेडिओला तो पायला गल रेडिओलर सो ए एंड थ्री आर मैचिंग तो ए थ्री तो तीन जगार आए कि ए टू आए तो अपशन बी तो आम हम अपशन बी इज डिस्कार्डेड चलो नेक्स्ट चाँव इतना बी फोर आज है यूट और बी दूटा जीक पसिबल आन्सार तक वि टू आए तो इतना बी जो फोर है तैयार डायरेक्ट आम आन्सार पाए गलो तो बी बम्बिक्स तो बम्बिक्स इज एन एग्जाम्पल अफ मत पेल किहर एग्जाम्पल आज बम्बिक्स बम्बिक्स इज सिल्कवर्म एंड दिस इनसेक्ट्स आर एग्जाम्पल अफ व्हाट आर्थ्रोपोडा तो आर्थ्रोपोडार पेज तो मन पेलाम एबार चाय लो एन्सार पेज नम्बर 53 पेजते मोलास्का आसे राइट तो आर्थ्रोपोडार एग्जाम्पल बम्बिक्स दिया आए मैं एन सी आर टी एग्जाम्पल दी आम इते ऊपर चुना मेलपिक एंड ट्यूबल्स आस तो अल्टिमेटली आको आम कौरपा क्वेश्चन पालों एन सी आर टी क्वेश्चन पालों तो बम्बिक्स उल गो उथ व्हाट मेलपिक एंड ट्यूबल्स तो एगेन आम गम पालों जो बी उल मैच उथ व्हाट फोर तमें बी उथ फोर तो आन्सार एटा आए ए तो आन्सार पाए गलो ए तो दिस इज द शॉर्टेस्ट वे टू आन्सार मिसमैच टाइप अफ क्वेश्चन बट स्टिल तुम लोग सब खुशा से प्लूरोब्रेकिया और टिनिया एक एग्जाम्पल जो एन सी आर टी बाहर रखो ना नए प्लूरोब्रेकिया और टिनिया दूटा एन सी आर टी एग्जाम्पल मैं पेज क्या देखा दीसूँ प्लूरोब्रेकिया इज एन एग्जाम्पल अफ व्हाट टिनोफोरा और इतने कमप्लेक्स मैच हम एगेन जो तुम लोग टिनिया विचार टिनिया सेम पेजते आए पेज नम्बर 51 है ये लिखा आए तो टिनिया इज एन एग्जाम्पल प्लेटी हेलमेन्स और प्लेटी हेलमेन्स की आज फ्लेम सेल्स आस तो बाकी तुम मिले चाहा तो आन्सार कि हम ये हम चलो ठीक है गोटेखे एन सी आर टी डिराइव्ड आज नेक्स्ट क्वेश्चन हम थर्ड क्वेश्चन इज ड्रग कॉल्ड हेरोइन इज सिंथेसाइज्ड बाय हेरोइन के सिंथेसाइज कर केमिस्ट्री क्वेश्चन नए हेरोइन ड्रग एंड एल्कोहल एब्यूज टॉपिक आई टॉपिक तो कौन आसे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चलो चाँ तक हेरोइन कथ कैसे ड्रग्स एंड एल्कोहल एब्यूज पेज नम्बर 158 क्लास 12 एन सी आर टी चलो इतने हेरोइन विचार हेरोइन विचार चुना ओपोइड्स पेराग्राफ तो चुना ओपोइड्स पेराग्राफत हेरोइन इज एन एग्जाम्पल अफ ओपोइड एंड इट इज अल्सो कमनली नोन एज स्मैक लिखा आज हेरोइन प्रॉपर्टी तार पास लिखा आज है दिस इज ऑब्टेन्ड बाय एसिटाइलेशन अफ मॉर्फिन पाई गला आन्सार तुम लोग चलो ऑप्शन विचार आम ऑप्शन कि आस फर्स्ट आन्सार तो एसिटाइलेशन अफ मॉर्फिन तो आन्सार इज एगेन ए एगेन एक्जेक्टली फ्रम एन सी आर टी वेरी इजी लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन द टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपेक्टेड रिजर्व वॉल्यूम
অফ এন এথলিট দুটাৰে আমাক কি আছে, এইটো এটা সৰু নিউমাৰিকেল, নিউমাৰিকেল বুলি ক'ব নোৱাৰি আৰু এইটো লাজেই পাম নিউমাৰিকেল বুলি ক'লে, হয় নাই? তো 500 ml 1000 ml দিয়া আছে দুটা ভেলু, এণ্ড হোৱাট উইল বি হিজ এক্সপিৰেটৰী কেপাচিটি, এইবিলাক এক্সপিৰেটৰী কেপাচিটি, টাইডেল ভলিউম, এক্সপিৰেট ৰিজাৰ্ভ ভলিউম, মদ পেলোৱা ক'ত আছিলে, ক'ত আছিলে এইটো, এইটো আছিলে ব্ৰিডিং এণ্ড এক্সচেঞ্জ অফ গেছেছ চেপ্টাৰটোৰ পেজ নম্বৰ 271 আৰু 272, ৰিজাৰ্ভ ভলিউম, চৰি, ৰেস্পিৰেটৰী ভলিউমছ এণ্ড কেপাচিটিজ বুলি পেলাই সেই টপিকটো। তো তোমালোকে নিজৰ এন চি আৰ টি খুলি ল'ব পাৰা। এতিয়া এক্সপিৰেটৰী কেপাচিটি পেজ নম্বৰ 272 আছে, তো ইয়াৰ ডেফিনেশ্যনটো তোমালোকে যদি চোৱা তেতিয়াহ'লে গম পাবা যে একচুৱেলি ই চি ইকুৱেলছ টু, এক্সপিৰেটৰী কেপাচিটি ইকুৱেলছ টু টাইডেল ভলিউম প্লাছ ই আৰ ভি, ই আৰ ভি ফৰ হোৱাট, এক্সপিৰেটৰী ৰিজাৰ্ভ ভলিউম, টি ভি ফৰ হোৱাট, টাইডেল ভলিউম। তো যদি টাইডেল ভলিউম আৰু ই আৰ ভি ভেলু দিয়া থাকে দুইটাকে এড কৰি দিলে আমি কি পাম, এক্সপিৰেটৰী কেপাচিটি। এই বস্তুটোৰ ওপৰত, এই ফৰ্মুলাটোৰ ওপৰত বেছ কৰি এই কুৱেশ্যনটো দিছে। তো 500 আৰু 1000 প্লাছ কৰিব লাগে, কি হ'ব ভাবি চোৱা, কি হ'ব, 1500 ml হ'ব। তো আনচাৰ ইজ এগেইন ডি, এগেইন ফ্ৰম এন চি আৰ টি, ভেৰি ইজি। লেটছ মুভ অন টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন, এণ্ড দিছ ইজ দ্য ফাইনেল কুৱেশ্যন অফ টুডেজ এপিছ'ড। চলো, তো এতিয়া তোমালোকে বহুত ইয়াতে নম্বৰছ দেখিছা, কিন্তু একো ভয় খাব নালাগে, এইটো নিউমাৰিকেল নহয়, এইটো এটা কনচেপচুৱেল কুৱেশ্যন বেছড অন এ ডায়াগ্ৰাম অফ এভলিউশ্যন। তোমালোকক মই লাষ্ট এপিছডত ডিছকাছ কৰিছিলোঁ 5টা কুৱেশ্যন, তাত দুটা কুৱেশ্যন আমি দেখিছিলোঁ বায়'মলিকুল চেপ্টাৰটোৰ পৰা আহিছিলে, টেবুলৰ পৰা, টেবুল নম্বৰ 9.3 আৰু 9.5 আছিলে, ৰাইট? এতিয়া এই কুৱেশ্যনটো আহিছে এভলিউশ্যন চেপ্টাৰটোৰ পৰা, চেপ্টাৰটোৰ থিয়ৰী বহুত আছে, কিন্তু তাৰ মাজত ডায়েগ্ৰাম আছে, এটা ডায়েগ্ৰামৰ পৰা কুৱেশ্যনটো আহিছে, ডায়েগ্ৰামত কিন্তু কনচেপ্ট সোমাই আছে আৰু সেইখিনি কনচেপ্টৰ কথা থিয়ৰী হিচাপত এন চি আৰ টিত কিন্তু লিখা নাই। ইয়াতে কি সুধিছে কুৱেশ্যনটো তোমালোকে পজ কৰি পেলাই ভালকৈ পঢ়ি ল'ব পাৰা, মই এবাৰ পঢ়ি দিছোঁ, বুজাই দিছোঁ কুৱেশ্যনটো। ইয়াতে কৈছে যে ইন এ পাৰ্টিকুলাৰ স্পেচিজ কি হয়, যিবিলাক নিউ বৰ্ণ আছে, নিউ বৰ্ণবিলাক ফৰ ৱেইট জেনেৰেলি মিনিমাম কি থাকে, 2 kg থাকে আৰু মেক্সিমাম 5 kg থাকে। আৰু কৈছে যে যিবিলাকৰ ৱেইট 3 to 3.3 kg ভিতৰত থাকে, সেইবিলাক বাচ্চাৰ 97% বাচ্চাই সিহঁত কি থাকে, বাচি থাকে। আৰু যিবিলাকৰ ৱেইট একেবাৰে কম, মানে 2 to 2.5, একদম তলৰ পিনে বা একদম ওপৰ পিনে হেভি ৱেইট যিবিলাক থাকে, 4.5 to 5.5 kg ভিতৰত, সিহঁতৰ কি 99% বাচ্চাই সিহঁতৰ কি হৈ যায়, মৰি যায় বুলি কৈছে। তো এতিয়া আমি বুজিব লাগিব যে তিনি ধৰণৰ কেটেগৰীত আমি নিউবৰ্ণবিলাকক ডিভাইড কৰিছোঁ, একদম কম ৱেইট থাকিলে সিহঁত বাচি নাথাকে, একদম বেছি ৱেইট থাকিলে বাচি নাথাকে, মাজৰ ৱেইট থকাকেইটা বাচি থাকে। এতিয়া এই বস্তুখিনি ওপৰত বেছ কৰি তোমালোকে আনচাৰ দিব লাগে যে এইটো কি টাইপৰ ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ, তাৰমানে টাইপছ অফ ছিলেকশ্যন বুলি পেলাই ক'ৰবাত কিবা থাকিব লাগিব এন চি আৰ টিত, ৰাইট? টাইপছ অফ ছিলেকশ্যন বুলি পেলাই এন চি আৰ টিত আছে, এন চি আৰ টিত ক'ত আছে বিচাৰি চাওঁ। চলো, এই পেজটো চোৱা, এই ডায়েগ্ৰামটো, পেজ নম্বৰ 136, এভলিউশ্যন, ক্লাছ 12, এন চি আৰ টি। তো ইয়াতে যদি তোমালোকে চোৱা, ইয়াতে এই তিনিটা টাইপৰ কি দিয়া আছে, ছিলেকশ্যন দিয়া আছে। এতিয়া ইয়াতে কি হৈছে, একপিনে কি আছে, নম্বৰ অফ ইণ্ডিভিজুৱেল উইথ ফিনোটাইপ, এইপিনে মানে ইণ্ডিভিজুৱেল, আৰু এইপিনে পুট কৰিছোঁ আমি কি, কেৰেক্টাৰটো, এইপিনে কেৰেক্টাৰটো পুট হ'ব এক্স এক্সিছত। তো এইপিনে ধৰি লওক কেৰেক্টাৰ আমি 2 to 2.5 kg, এইপিনে ধৰি লওক 4.5 to 5 kg, আৰু এইপিনে 3.3 to 5 kg, 3 to 3 kg নে কি আছিলে এইটো, ৰাইট? তো এতিয়া এই মাজৰ যোনখিনি ৱেইট ৰেঞ্জ, সেইটো ৱেইটত চবতকৈ বেছি পপুলেশ্যন আছে, তো আমাৰ কুৱেশ্যনৰ লগত মেটছ কৰিছে। আৰু বাকীবিলাকৰ কি হৈছে, একদম কম পপুলেশ্যন আছে, নাইকিয়াৰ সমান, কাৰণ 99% মৰি গৈছে। তো মাজৰ ৰেঞ্জৰ যোনটো কেৰেক্টাৰ ভেলু, সেই কেৰেক্টাৰ ভেলুৰ এগেইনষ্টত চবতকৈ বেছি কি আছে, ইণ্ডিভিজুৱেল ছাৰ্ভাইভ কৰিছে। তেতিয়াহ'লে এই টাইপৰ ছিলেকশ্যনটো কি ছিলেকশ্যন বুলি কয়, এই টাইপৰ ছিলেকশ্যনটো তোমালোকে এই ডায়েগ্ৰামটোৰ তলতে তোমালোকে দেখিবা, নিজৰ এনচাৰ চাবা তোমালোকে, ইয়াতে ক্ৰপ হৈ গ'ল মোৰ, তাতে লিখা আছে ষ্টেবিলাইজিং ছিলেকশ্যন। তো ষ্টেবিলাইজিং ছিলেকশ্যন ইজ দ্য আনচাৰ, তথাপিও যদি কুৱেশ্যনটো বেলেগকৈ আহিলে হয় তেতিয়া কি হ'ব আমি চাওঁ, হাঁ? তো ইয়াতে ষ্টেবিলাইজিং ছিলেকশ্যন আছে নাই, আছে, তো আনচাৰ ইজ এ, এ ইজ দ্য আনচাৰ। তো তথাপিও অকণ মই আৰু অকণ ডিছকাছ কৰিছোঁ, যদি এনেকুৱা হ'ল হয় যে বোলে যিকেইটাৰ বেছি ৱেইট আছে বা যিকেইটাৰ কম ৱেইট আছে সিহঁতহে বাচি থাকে, তো তেতিয়াহ'লে কি হ'ল হয়, এই মাজৰখিনি এনেকৈ পিক নহৈ পেলাই পিকটো ইয়াতো এইপিনে গুচি গ'লোহেঁতেন, নহ'লে কি হ'লে পিকটো কোনোবা অপজিট ছাইডে যাব। তো যদি কোনোবা এটা পাৰ্টিকুলাৰ ছাইডত পিক এটা বনে, মাজত নবনে, তেতিয়াহ'লে আমি সেইটো কওঁ ডাইৰেকশ্যনেল ছিলেকশ্যন। তেতিয়াহ'লে আমাৰ আনচাৰ কি হ'লহেঁতেন যদি তেনেকৈ ক'লে হয়, ডাইৰেকশ্যনেল আনচাৰ ডি হ'লহেঁতেন, বুজি পাইছা? চাইক্লিকেল ছিলেকশ্যন বুলি একো ছিলেকশ্যন নাই এজ পাৰ এন চি আৰ টি। আৰু এইটো এটা ছিলেকশ্যন আছে, থাৰ্ড ছিলেকশ্যন, দিছ ইজ কল্ড ডিছৰাপটিভ ছিলেকশ্যন। যদি এনেকুৱা হ'ল হয় যে 2 একদম কম ৱেইট থকাকেইটা বাচি আছে আৰু একদম বেছি ৱেইট থকাকেইটা বাচি আছে, কিন্তু মাজৰকেইটা কিন্তু বাচি থকা নাই, তেতিয়াহ'লে সেইটো ছিলেকশ্যনক আমি ডিছৰাপটিভ ছিলেকশ্যন বুলি ক'লোঁ হয়। তো কুৱেশ্যনৰ ডাটা যেনেকৈ দিয়া আছে, বেষ্ট অন ডেট মাজৰকেইটা ছিলেক্ট হৈছে, তো ইয়'ৰ আনচাৰ ইজ দ্য
ए অপশন ষ্টেবিলাইজিং সিলেকশন। তো আজিও আমি পাঁচটা কোয়েশ্চন চালু এনেকে চলো ভাল লাগিলে তোমালোকক পাই। তো নেক্সট এপিসোডটো আকৌ তোমালোকে চাবা, তেতিয়াহ'লে আমি গম পাম মাজত কিছুমান এনসিটি বাহিৰৰ কোয়েশ্চন থাকি যাব পাৰে, আমি পাৰ্ট পাৰ্টকে চাই যাম। চলো থেংক ইউ আৰু নিজৰ ধ্যান ৰাখিবা, বাই বাই।